टी20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 17 अक्टूबर से यूएई में होने जा रही है। ये टूर्नामेंट इस साल भारत में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। भारत को इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन तीन टीमें ऐसी हैं जो टीम इंडिया का ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ सकती हैं। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम इस साल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाली है। इंग्लिश टीम टॉप ऑर्डर से लेकर निचले क्रम तक खतरनाक खिलाड़ियों से भरी हुई है। जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, इयान मॉर्गन और जॉस बटलर जैसे बल्लेबाजों को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। गेंदबाजों में भी उनके पास चैंपियन खिलाड़ी मौजूद हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को इंग्लैंड से थोड़ा सावधान रहना होगा। टी20 में अगर कोई टीम मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन है तो वो है वेस्टइंडीज की टीम। इस टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज सभी लंबे शॉट्स लगाने में सक्षम है। वेस्टइंडीज की टीम दुनिया की एक इकलौती टीम है जिसने जो किसी भी मैच को पलट सकती है। वेस्टइंडीज की टीम पिछले बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी है, और इतना ही नहीं इस ट्रॉफी को वो दो बार जीतने वाली दुनिया की इकलौती टीम है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए 5 टी20 मैचों के सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। बांग्लादेश की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की मजबूत टीमों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही थी। बांग्लादेश ने इस सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। 17 अक्टूबर से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से यूएई में होना है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इन तीन टीमों को कैसे हैंडल करती है, कैसे आगे बढ़ती है, और क्या इस बार भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोबारा उठा पाएगी या नहीं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।